अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा कर मतदाताओं से जनसंपर्क किया। इस मौके पर जगह जगह लोगों ने रघु शर्मा और झुनझुनवाला का स्वागत किया। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस के प्रति बहुत ही शानदार माहौल है। वहीं रिजु झुनझुनवाला ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र के वासिंदों को पानी की किल्लत से छुटकारा दिलाया जाए और उनका स्थायी समाधान भी हो। केकड़ी में सेकेंड टाइम आना हुआ है और आप यहाँ उत्साह देख रहे हैं लोगों का पूरे राज्य भर में, और मैं तो अजमेर में ही गया हूँ, पूरे अजमेर के जिले में यही देखने को मिला है मेरे को जिस दिन से मैं आया हूँ, और आज यहाँ पे करीब 24 दिन हो गए हैं तब से लेके अब तक कहीं कोई कमी नहीं नजर आई है लोगों के उत्साह में। किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के सामने हैं? सर, मेरा मुद्दे सिर्फ दो है। एक, कैसे हम यहाँ की पानी की समस्या को दूर करें, बिकॉज पानी की यहाँ बहुत गंभीर समस्या है, और दूसरी, यहाँ कैसे हम औद्योगिक क्रांति लाएं, यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाएं, ताकि हमारे जो युवा भाई बहन हैं इनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, कोई बेरोजगार ना हो। और मेरे ख्याल से जनता को ये बात समझ आ रही है कि हमने जो स्थानीय मुद्दे उठा के हम इसमें आगे लड़े हैं, इस कैंपेन में आगे जा रहे हैं, कोई नेगेटिव कैंपेन नहीं चला रहे किसी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट हम कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ अजमेर की जनता के लिए क्या काम हम कर सकते हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी 5 साल में बेहतर कर सकते हैं, इसी को लेकर मैं आगे। कांग्रेस पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है इस चुनाव में 25 की 25 सीट जीतने का, मुझे मौका मिला है हर लोकसभा क्षेत्र में जाने का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के साथ भी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी के साथ भी, जो माहौल अंडर करंट है कांग्रेस के पक्ष में, और ये पक्का है कि राजस्थान की जनता ने अभी 3 महीने पहले आशीर्वाद देके कांग्रेस की सरकार बनाई है। मोदी जी को तभी नकार दिया था उन्होंने, बीजेपी को तभी नकार दिया था, अब तो कड़ी से कड़ी जोड़ने के मूड में है राजस्थान की जनता। 25 की 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है इस चुनाव के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, जो जुमले परोसे धरातल पे, एक भी बात सच्ची साबित नहीं कर पाए वो, ना काला धन आया, ना 15 लाख रुपए जमा हुए लोगों के खाते में, ना महंगाई कम हुई, बल्कि महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच गई, ना 2 करोड़ लोगों को हर साल उन्होंने रोजगार दिया, उल्टा GST इस तरह का लेके आए कि उद्योग जगत की कमर और तोड़ दी। आज आम आदमी, चाहे वो नोटबंदी से हो, आम आदमी परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई वर्ग ऐसा है बताए बीजेपी कि उनकी नीतियों से या उनके निर्णय से कोई वर्ग खुश हुआ हो? पिछले 5 साल उन्हीं के पास सत्ता थी, राजस्थान की सत्ता भी उनके पास थी, दिल्ली की भी सरकार उनके पास थी, हर जगह बीजेपी फेल हुई है। इसीलिए नरेंद्र मोदी अभी आए हैं सभा करने, यहाँ लटका हुआ चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा, उनको खुद को मालूम है अंदर ही अंदर कि हमको राजस्थान में कुछ मिलने वाला नहीं है, राजस्थान में